तो हेलो गाइस, वेलकम टू सपोर्टेकिया। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में ब्लूटूथ कनेक्शन आप करें। अगर आपका डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं शो हो रहा है या फिर आप ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे फिक्स करना है मैं आज आपको पूरा दिखाऊंगा। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, आप भी सीख जाओगे कैसे इसको ठीक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप में स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो अगर आपका विंडोज 7 है या फिर 10 है तो आपको क्या प्रोसेस करना है मैं पहले आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे आइकन है, यहाँ पर आइकन पे मेरा ब्लूटूथ डिवाइस शो हो रहा है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपका यहाँ पर शो नहीं कर रहा है या फिर ब्लूटूथ डिवाइस नहीं आ रहा है तो आपको कैसे आपको करना है इसका प्रोसेस मैं दिखाऊंगा अभी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइकन में अगर आपका नहीं ब्लूटूथ आ रहा है तो यहाँ पर आप सर्च में ब्लूटूथ सर्च कर सकते हो, ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो है इसलिए देर कर रहा है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर मेरा लैपटॉप यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ब्लूटूथ मेरा ऑन है लेकिन मेरा अभी डिवाइस ऑफ है इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो मेरा ऑल्टरनेट डिवाइस है, जैसे ही ऑन करूँगा तो यहाँ पर शो आ जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है या फिर आप ऐड डिवाइस में जाके यहाँ पर आपका ब्लूटूथ ऐड करना चाहते हो, आपका हो नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आपका जो लैपटॉप में ड्राइवर है उसकी वजह से आता है। तो आपको कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल CON। ये देखिए कंट्रोल पैनल आ गया। कंट्रोल पैनल में जैसे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर देख सकते हो डिवाइस एंड मैनेजर है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आइकन बड़ा होके आ रहा है तो यहाँ पर आप लार्ज आइकन करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो डिवाइस एंड मैनेजर में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आने वाला है। देखिए ये देखिए आ गया। तो यहाँ पर देखिए मेरा ब्लूटूथ ड्राइवर पूरा इंस्टॉल है। यहाँ पर अगर आपका कोई एरर ऑप्शन आ रहा है या फिर ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आपको सिंपली इसमें राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर करना है और लैपटॉप को इंटरनेट कनेक्शन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरा लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन है, आपका लैपटॉप का इंटरनेट कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो आपका जो अपडेट ड्राइवर है यहाँ पर जाके, रुको एक सेकेंड, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका ड्राइवर अपडेट नहीं है, यहाँ पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर जैसे करोगे तो यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक आपका नेट के साथ ये ड्राइवर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ये ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं हो रहा है या फिर आपका ब्लूटूथ डिवाइस नहीं शो हो रहा है तो आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपका कंप्यूटर में भी आपको ये प्रोसेस करना है तो आपको सिंपली एक डिवाइस लेना पड़ेगा, ब्लूटूथ डिवाइस, क्योंकि लैपटॉप के इनबिल्ट ब्लूटूथ डिवाइस होता है लेकिन डेस्कटॉप के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होता है। आपको मार्केट में मिल जाए उसको आपको डेस्कटॉप के पीछे लगा देना है ताकि आपका ब्लूटूथ शो हो सके। तो ऐसे ही आप कर सकते हो। और अगर आपका कोई तकलीफ है या फिर आपका प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस का तो मुझे कमेंट करें, मैं देखूंगा कैसा आपका प्रॉब्लम है, मैं आपका उसका सोल्यूशन दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि मेरा अगर नया नया वीडियो आ सके तो आपके तक पहुँचता रहेगा। तो थैंक यू सो मच।